गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सन कादि शिष गुरु सारद वरणी पवन सुत कीरति आरति श्री रामायण जी की गावत वे सार अंश सम्मत सब गीते आरति श्री रामायण जी के गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी ओ गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषुंडी करुण की आरति श्री रामायण जी की कलिमल घर सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की ओ कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मोरिय मेकी तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरति श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरित मानस श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री कनक बिहारी बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राम कथा में पधारे हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए समक्ष विराजमान सभी श्रोता समाज के हृदय में बैठे हुए परात्पर ब्रह्म को सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पधारे हुए सभी संत समाज के चरणों का वंदन करते हुए आइए
हम सभी लोग आज अष्टम दिवस की श्री राम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। कथा का प्रारंभ हम और आप प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ करेंगे। विराजमान आप सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना, सभी लोग प्रेम पूर्वक प्रभु नाम का गान करते हुए तालियों की सेवा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु के नाम संकीर्तन में सहयोग करेंगे। तदुपरांत आगे जैसी प्रभु की इच्छा होगी, उनकी इच्छा अनुसार, उनके मार्गदर्शनानुसार हम सभी लोग आगे के समस्त रसमयी कथाओं का श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। और सभी से पुनः एक बार निवेदन, जैसा कि प्रशासनिक आदेश पुनः जारी हुआ है, यद्यपि ये कथा हो रही है पर पुनः कुछ नियमों का लागू किए गई हैं सरकार की तरफ से। जो नियम यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित करने के आदेश हुए हैं उसका पूरी तरह से तो पालन अभी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करिए। मास्क नहीं है, साड़ी के पल्लू से, आंचल से, गमछे से, प्रयास करिए। स्वयं की रक्षा की ये बात है, स्वयं के सुरक्षा की बात है, तो शासन का आदेश मानना भी आवश्यक है कि जितना हो सके, संभव है जितना, उतना करने का प्रयास किया जाए। आगे हरि इच्छा के अनुसार आइए हम सभी लोग आनंद लेते रहेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के 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 राम जी हमारे,
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भूत भवन भोलेनाथ की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, परम पावनी मैया सरयू की जय, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय, श्री नर्मदे मैया की जय। परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की अमृतमय गौरव गाथा का अष्टम दिवस आज श्री राम कथा के छठवें दिन की ओर हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम दिवस की कथा के अंतर्गत हमने आपने श्री राम विवाह उत्सव की अत्यंत मनमोहक कथा का आनंद लिया और इसके आगे के क्रम की कथा का श्रवण आज हम और आप मिलकर के करेंगे। श्री राम कथा मैं प्रथम दिन से आप सभी से पुनः पुनः यह बात कहती चली आ रही हूँ, निवेदन करती आ रही हूँ कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। इस प्रभु के मार्ग की ओर, ठाकुर जी के ओर, धर्म की ओर कदम तब बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं? अति हरि कृपा, जब भगवान की थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कृपा होती है, असीम कृपा होती है, तो किसी एक ऐसे कथा पांडाल की ओर कह लीजिए, मंदिर की ओर कह लीजिए, या प्रभु के धर्म की ओर कह लीजिए, कदम बढ़ते हैं। हम सब यदि आज इधर आए हैं, मैं बारंबार कहती हूँ, हम स्वयं से नहीं आए हैं, हम लाए गए हैं। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए भी नहीं आए होंगे, शायद निकले हों किसी और काम से, कथा का पांडाल देखा, कथा होती देखी, आकर चलो थोड़ी देर बैठ के देखते हैं। ये क्या है? ये प्रभु की कृपा है। ये स्वयं हम और आप बैठने वाले नहीं हैं, ये जो अंदर मन बैठा है ना, मन ये अभी मचल उठे और कह दे अब हम लग नहीं रहे हैं यहाँ, अंदर से मन कहने लगे अब हम ना लग रहे, अब हम ना लग रहे, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, चार से पांच बार कहेगा, छठवीं बार आप उठोगे और चल दोगे। यदि जब तक इस कथा पांडाल में टिके हैं, मतलब उसने टिकाया है, कल इतनी वर्षा हुई फिर भी लोग बैठे रहे, कथा सुनी, प्रभु की कृपा से उनका विवाह हो भी गया। अब प्रभु का विवाह था, बारात द्वार पे आ जाए तो आंधी आए चाहे पानी आए, ब्याह हुए बिना थोड़ी ना जाने दें। तो विवाह तो हुआ सरकार का, आनंद भी हमने आपने खूब लिया। कहने का तात्पर्य, प्रभु की कृपा है, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा, उनका बहुत बड़ा अनुग्रह है। जीवन में हम सभी लोग परेशान किस चीज से होते हैं? जैसे जाकर के यदि कहें किसी को हाथ दिखाओ तो जाकर के क्या कहते हैं, सामने से क्या कहा जाता है, भाई आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, आपके ग्रह सही नहीं चल रहे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ग्रह, आपका ग्रह खराब चल रहा है, शनिचर इधर है, रविवार उधर है, तो बुधवार पता नहीं किधर, ग्रह नहीं सही है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ग्रह से भी ऊपर सबसे बड़ी एक चीज है, आपके नौ ग्रह होते हैं ना, नौ ग्रह, नौ के नौ ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, नौ के नौ ग्रह भी यदि प्रतिकूल हो जाएं, आप ठाकुर जी की शरण में जाओ और ठाकुर जी की यदि अनुग्रह हो जाए तो इन नौ ग्रहों से ऊपर ठाकुर जी का अनुग्रह होता है। और जब अनुग्रह हो जाती है ना, तो ये सारे के सारे ग्रह का विपरीत होना या विपरीत ना होना, ये कोई मायने ही नहीं रखता है। हम उन्हीं प्रभु की कथा का श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं, मिथिला धाम का आनंद है। मिथिला मतलब वही जनकपुरी,
जनकपुरी ही मिथिला कही जाती है, मिथिला नगरी जहाँ पर हमारी याद शक्ति माँ जगदम्बा मैया किशोरी का आना हुआ है। उस मिथिला की बड़ाई कौन कहे। शुच तीरथ धाम अनेकन है सबकी अपनी अपनी महिमा, सकी किंतु विदेह पुरी लख के लघु लागत मोहि सकल उपमा। भूपति राजेश मिथिलेश से जह सबते बड़के मिथिला महिमा। संत ने कहा अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, लेकिन सबसे बड़ी महिमा जो है ना ये मिथिला धाम की महिमा है। तो किसी दूसरे संत ने कहा नहीं 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 नहीं, ये मिथिला की महिमा नहीं है, ये मिथिला की महिमा नहीं है, तो किसकी महिमा है। संत ने उत्तर दिया मिथिला महिमा मिथिला की नहीं सजनी। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि शब्द एक है और अर्थ दो है। महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये किसकी महिमा है, जिनकी ये मही अर्थात धरती माँ है। मही शायद दही को भी बोलते हैं ना, तो वही मैं सोच रही थी कहीं आप मही मतलब दही ना समझ ले हो। मही का अर्थ धरती पृथ्वी। मिथिला की महिमा संसार में क्यों है, मिथिला को संसार में लोग क्यों इतना जानते हैं, क्यों मिथिला धाम की इतनी भव्यता हो गई, जिस धारा से जिस मही से माँ जगदम्बा का आना हो गया, उन मैया के आने से मिथिला की महिमा बढ़ गई। सारा संसार क्या कहता है जी कि बेटा नाम रोशन करता है, कहता है कि नहीं, सही बताइए क्या मानना है। सबका यही मानना होता है ना कि बेटा नाम बढ़ाता है। जनक जी के चार बेटे थे, एक नहीं चार बेटे थे, सीता मैया के चार भैया जी थे, लक्ष्मी निधि जी, गुण निधि जी, मंगल निधि जी, चार भैया। कोई जानता है क्या सीता जी के भैया जी को, कोई जानता है क्या कि जनक जी के बेटा भी थे, किसी को पता है क्या। लेकिन सीता मैया को कौन नहीं जानता। मेरे कहने का ये मतलब समझ रहे हैं आप। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, संसार कहता है बेटा ही होता है तभी नाम रोशन होता है ना, जब जानकी जी के जैसी बेटी भी घर में आ जाती है ना, तो वो बेटी अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाती है। मैया आज मैया की वजह से बाबा जनक जाने जाते हैं। बाबा जनक कौन है, अरे आदि शक्ति माँ जगदम्बा के पिता है बाबा जनक। लक्ष्मी निधि जी भैया जी को नहीं जानते सब, लेकिन मैया जानकी की वजह से आज बाबा जनक पूरे संसार में पूजे जाते हैं। तो भैया बेटा बेटी कुछ मायने नहीं रखता है, मायने सिर्फ इतना रखता है। हमने देखा है जब पुत्र नहीं होता ना, तो माताएं भगवान के पास खूब पूजा अर्चना करती हैं, व्रत करती हैं, उपास करती हैं, और पता है क्या कहती हैं, भगवान कईसो दे दो बस एक ठो दे दो। कहती है कि नहीं कहती है, सही बताइए, कईसनो दे दो बस एक ठो दे दो। मैं आपसे पूछूं रावण जैसा आ जाए चलेगा क्या, कईसनो लेके का करेंगे, क्या करेंगे, जीवन भर पालो बड़ा करो और बड़ा होके धुंधकारी बन के माता पिता पे ही सवार हो जाए, ऐसा लेके क्या करेंगे। ठाकुर जी से ये कभी मत कहिएगा भगवान कैसा भी हो एक ठो दे दो, कैसा भी हो एक ठो दे दो, कैसा भी मांग ले ठाकुर जी भी जैसा भी दे दे। अब जब तक वो छोटा हो तब तक हम हंसे, और जब वो बड़ा हो जाए तो वो हंसे हम रोए, तो क्या करना है ऐसे का लेके। भगवान से कहो ठाकुर जी देना तो लायक देना, नालायक मत देना। मैया सुमित्रा के वचन है, आज हम अभी सुनेंगे प्रसंग के दौरान। मैया सुमित्रा क्या कहती हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत। वही बेटा बेटा है और वही माँ असल में पुत्रवती है। कौन सी माँ, जिसकी संतान भगवान के चरणों में प्रेम रखे। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, कछु भी बनाइए, पर सबसे पहले उसको भगत बनाइए।
जो भगवान को आदर देगा वो अपने माता पिता को भी आदर जरूर देगा मेरे भाई। इतना मेरी मति कहती है, मेरी बुद्धि ये कहती है कि जो भगवान को सम्मान देगा, जो भगवान की कथा का सम्मान करेगा, उसे इतनी सद्बुद्धि तो इस कथा से मिलेगी कि माँ बाप का आदर जीवन में करना चाहिए। और जो भगवान का आदर नहीं करेगा तो भूल जाइए कि वो माई बाप का आदर करेगा। फिर जिसको संस्कार नाम का सभी जिसने नहीं पढ़ा है, उससे हम कहाँ से उम्मीद करेंगे कि वो आगे चल के श्रवण कुमार बन जाएगा? असंभव है। मेरे प्रभु विवाहोपरांत मिथिला से अयोध्या आए हैं, और जब अयोध्या पहुंचे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आनंद ही आनंद है अवध धाम में। मैया का इंतजार हो रहा था कितने दिन से, तो राम जी गए थे। कुछ संत कहते हैं कि बारात 15 दिन तक रुकी थी, और कुछ संत कहते हैं, हमारे मिथिला धाम के संत कहते हैं कि बारात 15 दिन तक नहीं, 6 महीने तक बारात रुकी थी। अब ये भाव की बातें हैं, इन प्रसंगों का वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया है कि वहाँ पर मिथिला में रुके तो क्या क्या भया, क्या नहीं भया, ये भाव की चर्चा है। मिथिला से वापस आने के बाद यहाँ पर अयोध्या का इंतजार अब पूरा हो गया। मंगलमय आरती की थाल सजा करके तीनों मैया ने चारों पुत्र वधुओं का स्वागत किया है, चारों लाल जी का स्वागत किया है। स्वागत हुआ, आरती कर करके अंदर लेकर के गई है। और यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जब से प्रभु विवाहोपरांत अयोध्या आए, अयोध्या का आनंद क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते करके घर आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नूतन आनंद अयोध्यापुर वासियों को मिल रहा है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई।
रिद्धि सिद्धि रूप संपत्ति रूपी नदियां कहां जा रही हैं, आ आ करके अयोध्या रूपी समुद्र में समाहित हो रही हैं। जिस प्रकार से सागर को चाह नहीं होती है कि हाँ मुझ में जल आकर के मिले, फिर भी ना चाहते हुए भी सारी की सारी नदियां जाकर उसी में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि संपत्ति इनको नदी की उपमा दी है। इनमें उफान आता है, पर समुद्र में कभी बाढ़ आते देखी, आती है तो सुनामी आती है और एक ही बार में सब समाप्त करके, पर नदियां नदियां हर बारिश के मौसम में बाढ़ में आ जाती हैं। ये अयोध्या नगरी है, यहाँ पर ये सब समाहित हो रही हैं। इतने सुख समृद्धि के बाद भी गोस्वामी जी महाराज मानो ये कहना चाहते हैं कि किसी के अंदर अभिमान का बाढ़ नहीं उमड़ रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा खूब आनंद है अयोध्या में, भगवान आए हैं, अब आनंद नहीं होगा तो क्या होगा, और साथ में मैया भी हैं। श्री दशरथ जी महाराज जब वहां से आए ना, तो जिस प्रकार से भाट होते ना, भाट मतलब जो पहले के राजा महाराजा के गुणों का जस का गान किया करते थे उनको भाट कहते हैं। जिस प्रकार से भाट किसी के जश का गान करते हैं, श्री दशरथ जी महाराज जनक जी के गुणों की बड़ाई पे बड़ाई तीनों माताओं से, अरे कौशल्या बहुत देखा, राजा देखे महाराजे देखे, पर सच कहूं जनक जी के जैसा आज तक ना देखा ना सुना, ना वो प्रेम आज तक कहीं मिला, ना वो सम्मान आज तक कहीं देखा। धन्य है श्री जनक जी महाराज, इतनी प्रशंसा। एक निवेदन है यहाँ, प्रयास करिए, स्वभाव बनाइए, किसी के घर जाइए, न्योते में जाइए, निमंत्रण में जाइए। अक्सर निमंत्रण आदि में कमियां हो जाती हैं, आप कमियों को घर लेके मत आओ, आप वहां की अच्छाई को लेकर के आओ। वहाँ पे अच्छा क्या था आप ये बताने का प्रयास करो। दशरथ जी महाराज ने खूब बड़ाई की और क्या कहती हैं, बहु लरिकनी पर घर आई। कौशल्या छोटी छोटी हैं बेटियाँ, यह अभी उनके लिए पराया घर है, नया नया है, नई जगह है, तो जरा सुनो ना, इनको संभाल के रखना सहेज के। अम्बा जी ने पूछा मियाँ कौशल्या ने, महाराज कैसे कैसे संभाल के रखना है। दशरथ जी महाराज क्या कहते हैं, जैसे ये जो पलके हैं इन पुतलियों की रक्षा करने के लिए, जरा सा कण भी आने वाला होता है तो ये पलके गिर जाते हैं कि पुतली तक चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक वैसे ही इन बेटियों को पुतली की तरह रखना और खुद पलक की तरह सदैव इनको संभाल के रखना। इतना प्रेम था श्री दशरथ जी महाराज ने मैया से कहा। रात्रि हुई और विश्राम का समय भया है। मैया कौशल्या राम जी से कहती हैं, राघव ये तो मुझे पता है आप इस जन्म में मेरे बेटा बन के आए हो, पर आपकी कृपा से आपकी एक माया मैं देख चुकी हूँ, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, तभी आपसे मैंने कह दिया था कि प्रभु अब आपकी माया मुझे कभी ना व्यापे। इसलिए आप देखेंगे दशरथ जी राम जी के वियोग में प्राण त्याग देते हैं, पर मैया कौशल्या जानती हैं कि ये जो मेरा बेटा बना है ये जीव नहीं ये जगदीश है। वो सारी लीलाएं देख करके दुखी हैं, पर मन ही मन पता है कि ये सब कुछ इन्हीं की इच्छा से हो रहा है। मैया कौशल्या कहती हैं, लालन आपकी बात तो विधाता भी मानते हैं, तो जरा उनसे कहिएगा ना क्या कहना है। यही कहना कि जितने दिन तक कौशल्या ने अपने राम को नहीं देखा है ना, उतने दिन को मेरी आयु की गिनती में से बाहर कर दे, क्योंकि यदि उतने दिन को जोड़ लेगा तो मतलब उतने दिन मेरे बेकार चले जाएंगे, व्यर्थ चले जाएंगे, गिनती तो हो जाएगी पर उतने दिन आपको देखा ही नहीं तो फायदा क्या है। उनको कह देना ना कि उतने दिन को जोड़े ना,
मैंने आपसे कथा के बीच में भी कहा है, एक एक दिन की गिनती है, एक एक श्वास की गिनती है। जो सांस भीतर गया है वो बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी हमारे आपके वश की बात का पता जो ले लिया वही भर रहे, बाहर आने का मौका ही ना मिले। जो श्वास अंदर है बस समझो वो अपना है, और जो गया है वो आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई भरोसा कोई ठिकाना। तो भैया प्रयास ये किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, आज अयोध्या कांड की कथा शुरू होगी। बाल कांड की कथा के विश्राम में गोस्वामी जी महाराज, जैसे कथा के विश्राम के बाद प्रसाद मिलता है ना, गोस्वामी जी ने क्या कहा, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। श्री रघुवीर श्री सीताराम जी की इस भव्य अमृतमयी विवाह गाथा का जो भी जन श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, उनके जीवन में भी सर्वत्र आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल होगा। ये गोस्वामी जी हम जैसे भक्तों को यह प्रसाद रूप में मिल रहा है। श्री बाल कांड को प्रणाम करते हुए आइए श्री अयोध्या कांड की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री अयोध्या कांड की कथा का प्रारंभ तीन अवस्था, बचपना, युवानी और तीसरा, जोर से बोलिए, अरे मना में बोलेंगे तो हम थोड़ी ना सुन पाएंगे, तीसरा क्या, बुढ़ापा, जिसकी चाहत कम होती है लेकिन तब वो आ जरूर जाता है, चाहता कोई नहीं है लेकिन वो आए बिना रहता भी नहीं है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, तीन अवस्था होती है सबकी। बचपने में यह चांस कम होता है कि हमारा मन भगवान की ओर जाए, ध्रुव प्रहलाद जी के जैसे ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो जा भी सकता है, पर बहुत मुश्किल है। बनने बिगड़ने के भी जो चांस होते हैं वो भी बचपन में बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि बचपन में मन निष्कपट होता है, मन में कोई छल नहीं होता, भेद नहीं होता, कोई कपट नहीं होता हृदय में। बुढ़ापे का जो समय आता है, बुढ़ापे में बनने बिगड़ने के चांस बचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी बनना बिगड़ना रहता है वो जवानी में ही या तो हम बन चुके होते हैं या बिगड़ चुके होते हैं। तो सबसे ज्यादा संभल के रहने की आवश्यकता कौन सी अवस्था में है, युवा अवस्था में। युवा अवस्था यदि बन जाए तो जीवन सुंदर बना देती है, और यदि बिगड़ गई तो जीवन फिर बंदर की हालत वाली हो जाती है। कहते ना कि जवानी में ही बहुत ज्यादा संभलने के भी मौके होते हैं और बहुत ज्यादा डगमगाने के भी। ये अयोध्या कांड की कथा क्या है, बाल कांड बाल्यावस्था का प्रतीक, लेकिन अयोध्या कांड युवा अवस्था का प्रतीक है। जीवन में संघर्ष आता ही आता है। मैं हमेशा एक निवेदन करती हूँ, माता पिता पिता के बनाए हुए संपत्ति की कीमत बेटा पता है कब समझेगा, जब बेटा भी पिता के बराबर संघर्ष को झेलेगा तब वो संपत्ति की कीमत समझेगा, नहीं तो समझने और मजने वाला नहीं है। ऐसे हाथों हाथ ले जाके चाबी रख देंगे तो वो जिंदगी में नहीं समझेगा कि बाबूजी ने का किया है इतना बनाने के लिए, वो तब समझेगा जब उतना ही संघर्ष वो भी झेलेगा जितना पिताजी ने झेला है। राम जी चाहते तो राजा बन जाते, राजा बनने के बाद फिर आराम से, राम जी की जब लीला है तो बाद में वनवास चले जाते, कुछ और कारण बना देते, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने मानो यहाँ एक संकेत दिया कि ऐसे बनी बनाई संपत्ति लेने में नहीं, पहले उस संघर्ष को झेलो। पहले कहते ना सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है, थोड़ा सा तपा जाए, तप जाकर के पता चलेगा कि हाँ
कितनी मेहनत लगती है किसी चीज को बनाने में। अयोध्या कांड की कथा का प्रारंभ ही हो रहा है, श्री दशरथ जी महाराज सभा में विराजमान हैं और श्री दशरथ जी महाराज ने अपना मुख देखा है दर्पण में। दर्पण में मुख देखने के उपरांत क्या क्या घटना घटित हुई उसको गोस्वामी जी ने चौपाइयों में वर्णित किया है। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। पूरी सभा लगी है, श्री दशरथ जी महाराज दर्पण मंगा करके मुख का अवलोकन करते हैं। मुख देखा दर्पण में, दर्पण में मुख देखा तो क्या दिखाई दिया, सभा में इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी ने महाराज को ये नहीं बताया कि महाराज आपका मुकुट तिरछा हो गया है। आज के इस समय में कमी जो बताए, यदि किसी ने कमी बता दी तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें कोई हमारी कमी बता दे तो हम बुरा मान जाते हैं, तो इसीलिए सामने वाला कमी बताता ही नहीं है कि हम बताएं तो कहूं ये बुरा ना मान जाए, तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो अब पता कैसे चलेगा कमी का? गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे के भरोसे बैठिए ही मत, खुद अपने अंदर की कमी को देखने का प्रयास करिए, तोरा मन दर्पण कहलाए। श्री दशरथ जी महाराज स्वयं अपने मुख का जब अवलोकन किया उन्होंने, तो दशरथ जी को दो चीज दिखाई दी, दो दो कमी। क्या क्या? एक तो दिखाई दिया कि मुकुट तिरछा हो गया है, जो मुकुट लगाया था ना वो टेढ़ा हो गया था। अब मुकुट टेढ़ा है तो मुकुट तो सीधा हो गया। दूसरी चीज दिखाई दी क्या? कान के पास के बाल सफेद हो गए। अब इन सफेद बालों को जब दशरथ जी महाराज ने देखा, गोस्वामी जी ने साफ लिखा है, सफेद बालों को देखकर दशरथ जी ये नहीं समझ रहे कि हाँ अब इनको थोड़ा सा ठीक करें, सफेद हो गए। दशरथ जी ने उन सफेद बालों से जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बाल हैं पर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बिना बोले भी वो बाल बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो दशरथ जी को सुनाई दिया। क्या? मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो वो बाल
तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि मानो वो बाल कानों के समीप आकर कुछ उपदेश कर रहे हैं। वो उपदेश किसने ग्रहण किया? दशरथ जी ने। उपदेश देने वाले तो चलिए मिल जाएंगे, पर उपदेश लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ज्ञान की चर्चा बहुत लोग करते हैं, ज्ञान की बातें बता देते हैं, संत बताते हैं, गुरु बताते हैं, घर में बैठे माता पिता बड़े बूढ़े बताते हैं, पर वो उपदेश ले रहे हो आप कि नहीं ले रहे हो, ये तो आप पर हम पर निर्भर करता है ना। श्री दशरथ जी महाराज ने उन बालों से उपदेश लिया। वो बाल क्या कह रहे हैं? मानो कह रहे हैं कि दशरथ जी अब बुढ़ापा आ गया है, मनहु जरठपन, सफेद बाल बुढ़ापे की निशानी होती है। अब तो खैर छोटे छोटे बच्चों के बाल भी पकने शुरू हो गए, लेकिन प्रायः प्रसंग के हिसाब से यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो श्री दशरथ जी महाराज ने उन श्वेत बालों को देखते ही एक निर्णय ले लिया, एक फैसला ले लिया। क्या? कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं और अब इस वृद्धा अवस्था में इस तन से ये घर धाम का राज का काज का ये सब का काम नहीं करना है। अब काम धाम में नहीं जाना है, अब राम धाम जो जाना है ना, तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी। मनु जी महाराज ने जब तपस्या की 23,000 वर्ष तक, क्या कह के निकले? होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। चौथापन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक इन विषयों से मेरा मन हटा नहीं है। तब क्या हुआ? हृदय बहुत दुख लाग, बहुत दुख हुआ, नीचे नीचे बहुत दुख हुआ है श्री मनुजी महाराज को। किस बात का? कि जन्म गयउ हरि भजन बिन। हमारा भी बुढ़ापा आ जाता है कभी। सच में अपने अपने हृदय से पूछिए, मुझसे ना कहो, अपने से ही कह लो। कभी मन में ऐसी पीड़ा उठी का कि जिंदगी भगवान के भजन के बिना बेकार जा रही है? जिनके पीड़ा उठी हो तो बहुत भाग्यशाली हैं, और जिनके ना उठी तो उठाओ। श्री मनुजी महाराज की आज अंतर आत्मा से यह आवाज आ रही है, अरे मनुजी जीवन बेकार कर दिया आपने अपना, भगवान का भजन नहीं कर पाए। हमारा आपका भी बचपन आया, युवानी आई, आकर के चली गई और सब कुछ चला गया, हमने सारा काम छोड़ा। भगवान का तो सारा काम हम बुढ़ापे के लिए ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में खाली रहेंगे। जब बुढ़ापे में खाली रहेंगे तो तीर्थ कर लेंगे, खाली रहेंगे तो भजन कर लेंगे, खाली रहेंगे तो कथा सुन लेंगे, खाली रहेंगे तो माला जप लेंगे। खाली खाली करते करते इतने खाली हो जाते हैं कि एक दिन तन यही रहता है, प्राण तन को खाली करके चल देता है, और खाली तन यहीं पर पड़ा रहता है। एक निवेदन करूं, एक राजा था, उसका जो राज्य था उसके यहाँ एक नियम बन गया था कि उस राज्य का जो भी राजा होता, जब वो 75 साल का हो जाता, तो 75 साल की अवस्था में उस राजा की जो भी राजा रहता, भव्य शोभा यात्रा निकलती। और भव्य शोभा यात्रा पता है निकल के कहाँ जाती? राज्य के बाद एक नदी पड़ती थी, और नदी के उस पार एक भयंकर जंगल जहाँ पे खूब सारे जंगली जानवर। जब राजा 75 साल के हो जाते थे ना, तो उनकी शोभा यात्रा निकालते और उस जंगल में जाकर छोड़ देते। तो जो भी राजा जाए भी तो बेचारा रोते चिल्लाते जाएगा, उसको पता है कि अब जाके मरना ही तो है हमें, तो कोई हंसते हंसते तो मरता नहीं है। खूब रोए, खूब चिल्लाए, लेकिन अब क्या करे, नियम तो नियम। अब वहां पे एक राजा जब हुआ, और अब उसकी शोभा यात्रा आज निकल रही है, वो 75 साल का पूरा हुआ, तो उसकी भी बढ़िया शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन ये एक पहला राजा ऐसा था जो रो नहीं रहा था, जो खूब हंस रहा था, खूब खुश था। मंत्रियों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, जितने राजा आज तक गए हैं ना, सब रोते चीखते चिल्लाते गए हैं, उनको जबरन छोड़ना पड़ा है, जा ही नहीं रहे थे। आप पहले ऐसे राजा हो कि बढ़िया खुशी खुशी हंसते हंसते जा रहे हो, अरे
अरे मर जाओगे उस पार जा करके, चिंता नहीं हो रही है का? राजा ने कहा, अरे तुम सबको पता नहीं है, मैं जितने दिन यहाँ इस राज्य का राजा था ना, तो जितना बड़ा महल मैंने इस पार ये बना हुआ है, इससे भी बड़ा महल मैंने उस पार पहले से बना लिया है। जितनी व्यवस्था यहाँ नहीं है, इससे दुगनी व्यवस्था मैंने वहाँ पे कर ली है। तुम यहाँ से छोड़ोगे, हम पट्ट से अपने महल में जाएंगे और मौज करेंगे। अब ये इस पार और उस पार की बात को समझिए। इस पार ये है, बीच में नदी कौन है? वैतरणी नाम की नदी बहती है, वो नदी है। और जब वो नदी पार हो जाए तो उस पार जा करके क्या जो महल बना है वो क्या है, वो आपको बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा। इस पार तो खूब बढ़िया चकाचक बन गया, उस पार का इंतजाम क्या है? वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? बुलावा तो सबका आएगा, सबका आएगा। तो जरा सोचे विचारे कि यहाँ इतनी तैयारी करी, वहां के लिए क्या किया? जब बुढ़ापा आया, एक मैया की कथा मुझे याद आ रही है, उनको ना लेने आए भगवान, नहीं आ जाए कि चलो हम ही इनको लेके चलते हैं। बुलावा आया है तो संदेशा भेजा, अब आकर के खड़े हैं भगवान, मैया से कहा चलो। मैया कहती है चल तो चलेंगे, लेकिन एक मिनट यदि दे देते ना तो बड़ा जरूरी काम एक ठो निपटा लेते हैं, एक ठो बस एक मिनट। भगवान ने कहा कि भगवान के सामने खड़े होके यदि कोई एक मिनट मांग रहा है तो पक्का कोई धर्म कर्म दान पुण्य कछु काम होगा जरूरी वाला। अब मैया ने कहा किया, एक मिनट प्रभु मोहे दे दो, बेटा से करूं बात। भगवान सामने खड़े और टाइम किस लिए मांग रहे कि जरा बेटा से बतियाना है, क्या बतियाना है? एक मिनट प्रभु मोहे दे दो, अजी बेटा से करूं बात। ठाकुर जी ने कहा क्या बात करना है बेटा से? अरे ठाकुर जी आप नहीं जानते, हमारे तीन चार ठो लड़का हैं। अच्छा तो? अरे पेटी में जो गहना धरा सब बेटन में तू बांट रे। सरकार ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद ये झगड़ा लड़ाई करें तो हम बांट दें तब चलें। बुलावा यो राम को स्वर्ग से आयो है संदेशा, बुलावा यो राम को संदेशा, बुलावा यो राम को, बुलावा यो राम को, बुलावा बढ़ी। सरकार सरकार सरकार, एक मिनट और दे देते।
भगवान को लगा शायद अब ये कछु अच्छा काम करने के लिए मांग रही होगी। ठाकुर जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ले लो। अब वो कहाँ पहुंची, अजी एक मिनट प्रभु मोहे दे दो बहु से कर लूं बात, एक मिनट प्रभु मोहे दे दो बहु से कर लूं बात, एक मिनट प्रभु मोहे दे दो बहु से कर लूं बात, एक मिनट प्रभु मोहे दे दो बहु से कर लूं बात। चाबी का छल्ला होता ना गुच्छा, देने में बड़ा कष्ट होता है लेकिन अब देना पड़ेगा, जा रही है तो लेके तो जा नहीं सकती। चाबी बहू रानी के हाथ में धरा और का कहने लगी, मैंने तो मेरा धर्म निभाया अब सब तेरे हाथ, मैंने तो मेरा धर्म निभाया अब सब तेरे हाथ रे, बुलावायो राम को स्वर्ग से करूं कल्याण।
भगवान, सुनो ना तने क्या। एक मिनट प्रभु मोहे दे दो, आपसे कर लो बात। एक मिनट प्रभु मोहे दे दो, आपसे कर लो बात। सरकार तनिक किनारे आओ ना। ठाकुर जी ने कहा क्यों? अरे आपसे कुछ बतियाना है, कुछ कहना है। भगवान ने कहा बड़ी जल्दी याद आ गई, काकी काका ताऊ ताया सबसे निपटने के बाद भगवान से बात करनी। का बात करनी है बोलो? आज एक मिनट प्रभु मोहे दे दो, आपसे कर लो बात। एक मिनट प्रभु मोहे दे दो, आपसे कर लो बात। अरे भव सागर से पार करो मोही, अब की रख लो लाज। भव सागर से पार करो मोही, अब की रख लो लाज। अब एक बारी गलती हो गई, अब ऐसा करो ऐसा पार कर दे, इस बार का मामला कैसे संभालो। भगवान ने कहा अच्छा, अगली बार पक्का आपका भजन करेंगे, इस बार का संभाल लो। भगवान ने कहा इस बार भी यही कह के आई थी कि आपका भजन करेंगे, और सारा का सारा जीवन बिना भजन के। भगवान ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। मैया कह रही अरे थोड़ा देखो ना, दे लेके कछु काम चल जाए तो। अजी भव सागर से पार करो मोही, अब की रख लो लाज रे बुलावायो राम। ओ से आयो है संदेशा, बुलावायो राम। से आयो रखा है हमने कि आप ऐसे आराम से ऐसे करके बैठे रहो, ठीक है। जितने जन बैठे हुए हो जरा ताली बजाओ, मुंह से गाओ, हाथ से बजाओ, तब तो लगे कथा में बैठे हो। अब बढ़िया ऐसे करके बैठे हैं जैसे लग रहा है कि हम मुनीम साहब को बिठा दिया दुकान पे, अभी कोई आएगा तो हिसाब किताब देख ले। ऐसे नहीं काम चलेगा। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग करिए पीछे का। बेटा को बचा लाए। अब मुखिया जी का बेटा बचा मतलब बहुत बड़ी बात है कि नहीं? मुखिया जी खुश। मुखिया जी ने कहा फला तारीख को इसका सम्मान समारोह होगा, अब खूब बम्पर शोभा यात्रा निकलेगी। अब सब उसको कंधे पे बिठा के जय जयकार कर रहे, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया। युवक ने कहा कि देखो सब कुछ सम्मान शोभा यात्रा ये सब तो ठीक है, पहले हमें यह बताओ कि हमें तालाब में धक्का किसने मारा था। मतलब उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि हमको सम्मान मिलेगा, हमको बढ़िया शोभा यात्रा निकलेगी, पुरस्कार मिलेगा। ना ना, अच्छा काम हुआ, लेकिन बताओ कि धक्का किसने मारा था। मन से तो आज कल थोड़ा कम ही मन लगता है कि नहीं? एक जगह ऐसी होती है ना, मैं खाना समझते जहाँ पे बेवजह की भीड़ लगी होती है, अरे जो लेने वाले सब जाते रहते हैं, लाइन लगी रहती है, हटाना पड़ता है, हटो हटो हटो। वो एक जगह होती है ना, वहां पे किसी एक कहीं वीरान जगह पे कोई यदि मदिरा की दुकान खुल जाए ना, तो सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं जिनको उसकी तलब होती है, वो सूंघ के पहुंच जाएंगे।
वैसे राम कथा के लिए इतने बड़े बड़े पोस्टर छपवाने पड़ते, वो पढ़ के भी लोग नामते, वो देख के भी ऐ कथा ही तो होती रहती है। ये दुनिया है मेरे भाई, ये संसार है। इस संसार में सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोगों में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। जितना रहने की जगह नहीं है ना, उससे ज्यादा पानी है इस धरती पे। लेकिन तब भी भैया 20 रुपए में खरीदे बिना कहाँ काम चलता है, यात्रा पे निकलो। ये दुनिया है। देखिए भैया, प्रयास ये रहे दशरथ जी के इस प्रसंग से कुछ सीखिए। सीखना क्या है? मुकुट, मैं सदैव कथा के दौरान एक प्रार्थना करती हूँ कि ये मुकुट का मतलब क्या? मुकुट का मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कब तक संभालिए? जब तक आपकी कमर सीधी है और हाथ पैर बढ़िया चल रहे हैं तब तक जिम्मेदारी संभालो। कमर झुकी मतलब अब जिम्मेदारी दे दो। किसको? घर में जो भी आपको योग्य लगे उसको। गलत तब होता है कि बुढ़ापा आ गया, खुद झुके जा रहे हैं, खुद की खुद का शरीर संभल नहीं रहा है, तब चाबी ना छूटती है, कैसे दे दें? ये चाबी नहीं, ये मोह है जो नहीं छोड़ने देता है। 50 साल से हमने संभाला, एक कई झटका में कैसे दे दे? मोह है जो उस चीज को अलग नहीं होने देता है। लेकिन ये कथा कहती है कि जीवन में जिम्मेदारी भी एक समय तक निभाइए। जैसे ही बुढ़ापे का प्रारंभ हो, फिर क्या आपको काम से मतलब नहीं होना चाहिए, अपना मतलब राम से रखना शुरू कर दीजिए, तो ही जीवन में आराम मिलेगा। जो जो राम के रहेंगे वो काम के रहेंगे, और जो राम के नहीं रहेंगे वो किसी काम के भी नहीं रहेंगे। दशरथ जी महाराज ने अब पंचों के समक्ष मत रखा कि जो पांच ही मत ला गई का तो करहु हरष ही राम ही टीका। राम जी कौन है? साक्षात परात्पर ब्रह्म है, भगवान है। दशरथ जी महाराज ने अपना सब कुछ राम जी को सौंपने का निर्णय ले लिया है कि मैं राम जी को सब देना चाहता हूं। सभी अयोध्यापुर वासियों के हृदय में पहले से ही यही इच्छा थी। सब पहले से ही यही चाहते थे कि राम जी राजा बन जाएं, हम अपने आंख से राम जी को राजगद्दी पर बैठे हुए देख लें, कितना बड़ा सौभाग्य होगा। जैसे अभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि श्री राम लला का मंदिर बन रहा है, तो अब एक ही चीज के लिए तो निगाह अटकी हुई है ना कि भगवान तब तक ये सांसें चलने देना कि राम लला को एक बार जाकर उनके मंदिर में देख ले। और मुझे जहां तक लगता है कि जिस दिन राम लला बैठेंगे, शायद संसार में इस पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह होगी जहां से लोग ना आए उनके दर्शन के लिए। इस समय अयोध्यापुर वासियों के हृदय की भी ऐसी ही अभिलाषा है कि राम जी राजा बन जाएं, हम उनको इस राज सिंहासन पर बैठा देख ले, बस जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे हमारे आपके जीवन में होता है, कोई कहे भैया अब सब छोड़ के तनक भजन वजन करो, अरे अभी बेटा का ब्याह नहीं हुआ है, अभी से हम ये सब करेंगे तो बेटा का विवाह कौन कराएगा। चलो बेटे का विवाह हो गया, बहू आ गई, अब बहू आ गई है, तनी नाती पोता खिलाए बिना कैसे मन मानेगा? नाती पोता खिला ले फिर करेंगे भजन, करने के लिए तो जिंदगी पड़ी। नाती पोता हो गए, बाबा अब तो भजन कर लो। अब नाती पोता के रहते अब जब भगवान ने जिलाया है तो तनक अपने नाती का भी ब्याह देख ले, नाती बहू आ जाए घर पे तब करेंगे करेंगे करेंगे, करते करते एक दिन चल देते हैं। पर ये होता हो आता, एक प्रार्थना करती हूँ मैं कथा के दौरान, कभी भी धर्म के काम को कल पर मत टालिए, अच्छे काम को कल पर मत टालिए। अच्छा, प्रभु का ये राज्याभिषेक होना अच्छा काम था कि नहीं था? इससे शुभ काम कुछ हो सकता है संसार में? कल पर टला, और कल कब आया? 14 साल बाद। अच्छे काम को कल पर मत टालिए और कोई बुरे काम को तत्काल करिए मत। हमारे जीवन का यही नियम है, कछु लड़ाई हो झगड़ा हो तो तुरंत ही कूद के जाएंगे, चाहे रात के 1 बज रहे हो।
और कोई अच्छा काम होगा। चलिए रविवार के दिन देखते हैं, अभी तो हम थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, थोड़ा रविवार के दिन समय मिलेगा तो चलेंगे किसी दिन। ये होता है अच्छे काम को टालना, जबकि भली प्रकार से जानते हैं कि ये जो सांस चल रही है इसका भरोसा। जीवन में ज्ञान सबको है, यहाँ पर बैठे हुए कोई भी एक श्रोता एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। सब कुछ को पता है, अच्छे से पता है, ये नहीं कि मैं बता रही हूँ तो पता है। सब जानते हैं ना कि एक का सिक्का भी हाथ से यहाँ से जाने वाला, कितना भी कर ले प्रयास, चाहे मेहनत से बना हो, चाहे छीन के बना हो, चाहे लूट के बना हो, सब कुछ छोड़ करके यही जाना है। लेकिन इसके बाद भी क्या है जो हम लोग को इस चीज का ज्ञान होते हुए भी भटका देता है? उस चीज का नाम है मोह। जो मोह है ना, वो इन चीजों से दूरी नहीं बनाने देता है। लगता है कि घर गृहस्थी से, घर के सामान से ये तन छूट जाए तो वैराग्य हो गया, लेकिन सही बताऊं, तन का इन चीजों से अलग हो जाना वैराग्य नहीं है, मन का इन चीजों से अलग हो जाना वैराग्य है। एक संत ने कहा, भगवान को पाने के लिए ये दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है कि सबसे मुंह मोड़ के चले जाओगे जंगल तब ही भगवान मिलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यो पानी में। कमल को देखा है, कीचड़ के बीच में भी खिल के रहता है, पर उस कीचड़ का एक अंश मात्र भी, लेश मात्र भी कमल के ऊपर, क्योंकि वो अलग रहता है उससे। मोहन और मोहन मस्तों के मिलता दिल का कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं बाहर आती आवाज। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो यहाँ से बोल के प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम क्या, पहले ये समझे प्रेम क्या। हम सबको लगता है दुनिया में हम भी बहुत लोगों से प्रेम करते हैं, और हजारों ऐसे हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीच बीच में हमें ये याद दिलाते हैं, तुमको ये नहीं पता हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। जो ये बात आपसे कह दे कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, समझ जाना पक्का वाला झूठा इंसान है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शब्दों से बयां ही नहीं की जा सकती। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु है ही नहीं। प्रेम का मतलब क्या, पहले प्रेम का मतलब समझें। प्रेम क्या, हलवा नहीं है भैया प्रेम, कि बस ऐसे लिया गटक लिया। दो धारी तलवार पे चलने की कहावत सुनी है ना, प्रेम वो होता है। और इस संसार में ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी से सच्चा प्रेम करो और वो भी बदले में आपको सच्चा प्रेम करे, बहुत मुश्किल से, भाग्य से। इस संसार का नियम है, आप इनको प्रेम करेंगे तो वो तिनको प्रेम करेंगे, आपका मन इन पे अटका रहेगा तो उनका मन किसी और पे अटका रहेगा। ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब क्या, प्रेम मिथिलापुर वालों का था, जो ठाकुर जी को एक बार देखने के लिए अपना सब कुछ भूल जाते थे। प्रेम उन गोपियों का था जो कान्हा की बंसी की आवाज सुनते ही कौन सास कौन ससुर कौन पति कौन क्या सब भूल करके चल देते थे, उनका प्रेम था। प्रेम की बातें करते तो बहुत लोग हैं, पर प्रेम का मतलब भी तो समझे। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, नहीं निर्मलता मन में आई। वो चाहे जितना ज्ञान कहे भगवान
सब जग माया में अंधे हैं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वह रूप बताना क्या जाने। और मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं वह प्रीति निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना। प्रेम की बातें तो बड़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, पर पहले किसी जगह के पता को बताने के लिए उस जगह पे जाने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ के गांव का पता मैं थोड़ी ना बता सकती हूँ, जब मैंने एक गली देखी ही नहीं है आज तक। आप यहाँ रह चुके हो, आप यहाँ आ जा चुके हो, आप बता सकते हो। संत कहते हैं जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, और जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं वह प्रीति निभाना क्या जाने। जिसने स्वयं कभी प्रेम ही नहीं किया हो वो प्रीत निभाना क्या जानेगा। भैया प्रेम तो एक ऐसी चीज है। हमारी श्री राधा रानी कन्हैया से कितना प्रेम करती थी पता है, हम खूब जानते हैं। भागवत महापुराण की कथा में खूब आनंद आता है। प्रेम का मतलब क्या? प्रेम एक वो होता है कि जब आप मुख से 24 घंटे उसका नाम लेते रहो जिससे आप प्रेम करते हैं। और प्रेम की एक पराकाष्ठा तब होती है कि उसका नाम लेना भी मुश्किल हो जाए आपके लिए, ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। मैं आपको बताऊं, वृषभान बाबा ने, वृषभान बाबा यानी कि श्री राधा रानी के बाबा पिताजी, उन्होंने बरसाने के क्षेत्र में जहाँ से बरसाना शुरू होता था वहाँ पे पहरेदार लगा रखे थे। क्यों? कन्हैया के मथुरा जाने के बाद की बात है। पहरेदार लगा रखे थे क्यों? ध्यान रखना, इस पूरे बरसाना क्षेत्र के अंदर कोई भी एक ऐसा नहीं आना चाहिए जिसके मुख से कृष्ण नाम निकल जाए। क्यों? आश्चर्य की बात है ना कि कृष्ण का नाम लेने में ऐसी क्या बुराई है कि बाबा ने पहरेदार बिठा दिए थे। कोई भी एक ऐसा ना आ जाए कि जो कृष्ण का नाम इस बरसाने में ले दे। क्यों? यदि कृष्ण का नाम राधा रानी के कानों में पड़ गया तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। ऐसी भाव विह्वल अवस्था में मैया हो जाती थी कि फिर श्री राधा रानी संभाले नहीं संभलती थी। कब? केवल कान में यदि कृष्ण नाम पड़ जाए तब। ये प्रेम होता है जो बताया ना जा सके। भैया भरत प्रयागराज में जाते हैं, संगम पे जा करके प्रार्थना करते हैं, सीता राम चरण रति मोरे, मुझे भगवान का प्रेम दे दो मैया। और बदले में क्या कहते हैं? प्रेम दे दो तो, लेकिन राम जी उस प्रेम को ना समझे, राम जी मुझे कुटिल जाने, मुझे हमेशा वो कुटिल समझे, मुझे प्रेमी ना समझे। ये प्रेमी का भाव होता है। उद्धव जी गए थे गोपियों को समझाने। अरे छोड़ दो, ज्ञान को धारण करो, ये मोह ममता में कुछ नहीं रखा है। ज्ञान कन्हैया ने भेजा, जाओ जरा आप ही समझाओ, उद्धव जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, जाकर आप समझाओ। और उद्धव जी जब गए गोपियों के पास, गोपियों के जब प्रेम की बात को उद्धव जी ने सुना ना, तो आज उद्धव जी का ज्ञान एक कोने में खड़ा का खड़ा रह गया। उद्धव सुधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई दुन दुभी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी गोपियों की बात सुनकर सीधे हो गए। सीधे हो गए का मतलब कि जितना ज्ञान था ना उनका धारा का धारा रह गया। गोपियां कहती हैं, निठुर श्याम सुंदर अगर जान जाती तुम्हारी गली में कदम भी ना रखती।
अगर पता होता तुम इतने बड़े निष्ठुर हो ना, तो तुम्हारी गली में हम भूल के कदम नहीं रखते। निठुर श्याम सुंदर अगर जान जाती, तुम्हारी गली में कदम भी ना रखती, ना फजीहत होती, ना बदनाम होती, और लगा दिल को काले से काला ना करती। अगर पता होता इतने बड़े छलिया हो, 3 दिन का वादा करके चले जाओगे छोड़ के ना, तो एक काले से अपना दिल लगा के हम अपना दिल काला नहीं करते। भक्त यदि भगवान से प्रेम करने का अधिकार रखता है, तो भगवान से झगड़ने का भी पूरा अधिकार भक्त को होता है। आज केवट जी का भी प्रसंग सुनेंगे, भक्त तो एक से एक हुए हैं। नरसिंह मेहता ससुराल से, बेटी के ससुराल से इतनी बड़ी पत्री आ गई, पत्रिका, भात भराई में इतना सामान चाहिए, और वो भी किलो दो किलो में नहीं, कुंटल में नहीं, मन में, इतने मन चावल, इतने मन ये, इतने मन काजू, इतने मन किशमिश। और नरसिंह मेहता के पास क्या, केवल एकमात्र करताल, जिससे ठाकुर जी का नाम भजते रहते थे, कुछ नहीं। नरसी बाबा के पास जब पहुंची, इतनी लंबी पत्रिका पता है क्यों आई? ससुराल वालों ने सोचा कि यदि ऐसा आदमी हमारा रिश्तेदार है, लोगों को पता चलेगा तो बड़ी बदनामी होगी, तो इतना सामान लिख के भेज देते हैं ना, कि ना वो सामान ला पाएगा और ना शर्म के मारे खुद आ पाएगा। नरसी मेहता ने क्या किया, वो पत्रिका ले जाके कन्हैया के सामने रख दी, और कन्हैया के सामने आज नरसिंह मेहता की आंख में आंसू आ गए। बेटा युवावस्था में शरीर छोड़ दिया था, नरसिंह मेहता नहीं रोए थे। नरसिंह मेहता भजन करने गए थे, पत्नी शरीर छोड़ दी, नरसिंह मेहता नहीं रोए। आज ना नरसिंह मेहता रो पड़े, नरसिंह मेहता की आंख में आंसू आ गए। पत्रिका कन्हैया के सामने रख दी और कहा, कान्हा बात मेरी होती तो आपसे कभी नहीं कहता, बात मेरी बेटी की और आपके बहन की। अब आप जानो कि भाई अपने बहन की लाज कैसे बचाएगा, ये तो आप जानो, मुझे नहीं मालूम। नरसिंह मेहता रो पड़े, पत्रिका सौंप दी, और विश्वास किसको कहते हैं ये देखिए, पत्रिका सौंप करके चल दिए, कहां, बेटी के ससुराल की ओर। हमारे आप में वो विश्वास है क्या, हम बहुत कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये विश्वास है क्या कि ठाकुर जी को पत्रिका सौंप दो और चल दो इस विश्वास से कि मेरे पहुंचने से पहले वो पहुंच जाएगा, ये भरोसा है क्या? नहीं है। अरे तेरे बिना श्याम, गाते जा रहे हैं नरसिंह मेहता जी, अब हमें नहीं पता, सब आपके हाथ में। अरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हाँ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने
तुमको पाया। तुमने मुझको गले लगाया, तुमने मुझको गले लगाया। और भगवान जिसको गले लगा ले उसका कितना मान बढ़ जाएगा सोचिए। इतने सारे लोग बैठे हैं और भगवान से मुझ
मुझसे नहीं कहना है, किसी से नहीं कहना है, भगवान से कहना है कि ये सब जितने साथी हैं ये यहाँ वाले हैं जो यही छूट जाएंगे, असली में तो आप मिलोगे ना। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं, कोई रे सहारा नहीं हमारा, नहीं कोई रे सहारा, आज तेरे बिना श्याम हमारा नहीं, तेरे बिना श्याम। पक्के दिल से कह रहे हो ना सब लोग, दिल से कह रहे हैं जितने लोग, जरा हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, रब कहिए मेरे साथ। जो गांव का मार्ग में ही बैठ गए नरसी में, तो यही रास्ता से तो आएंगे, यहीं से तो आएंगे, इंतजार कर रहे, घंटा बीते दो घंटा बीते, बहुत देर हो गई। नरसी मेहता कह रहे मेरी आशा टूटने मत देना, जल्दी आ जाओ। और थोड़ी देर में देख रहे हैं धूल ही धूल उड़ रही है, अरे रथ पे रथ आ रहे थे, रुक्मिणी जी हैं साथ में। नरसी मेहता के सामने ठाकुर जी आए। अब आप सोचो भगवान आपके सामने आकर खड़े हो और किसी की इतनी मजाल की भगवान से मुंह मोड़ के पीछे करके बैठ जाए। हम भगवान के श्री विग्रह की ओर, भगवान के तस्वीर की ओर भी हम पीछे करके नहीं बैठते, और नरसी मेहता को देखिए भगवान से मुंह मोड़ के बैठे। घंटा भर हो गए बुलाते बुलाते, आ जाओ अभी को फुर्सत मिली है, अभी आए हो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि यहाँ बहन की इज्जत की बात आई, अभी आए हो, बातें नहीं कर रहे। और मेरे ठाकुर जी को देखिए, नरसी मेहता जिधर मुंह मोड़ के बैठे ना, हाथ जोड़ के भगवान उधर की ओर गए, उधर जाके खड़े हुए ना, तो नरसी मेहता मुंह घुमा के इधर की ओर घुमा लिया, यहाँ हाथ जोड़ के आए तो घुमा के इधर कर लिया। रुक्मिणी मैया ने कहा सरकार, मतलब ऐसे भी कैसे भगत की भगवान भगवान मुंह मोड़े भगत से, तो ये तो चलो चल सकता है, भगत भगवान से मुंह फेर फेर के बैठ रहा, भगवान हाथ जोड़ के आगे पीछे घूम रहे, वापस चलिए जब नहीं सुन रहे हैं तो इतना भी क्या मनाना। नरसी मेहता आज गुस्सा है, आज कन्हैया ने कहा देवी एकदम शांत, ये भगत और भगवान के बीच की बात है, तीसरा कोई बोलेगा नहीं, हमसे गलती हुई है।
और वैसे भी इनका इतना बड़ा ऋण है मेरे ऊपर जो मैं जीते जी चुका ही नहीं सकता हूँ। सोचो भगवान पे कोई ऋण डाल सकता है क्या? भगवान पे कोई ऋण डाल सकता है? पर भगवान अपने भक्तों का ऋण अपने ऊपर ले लेते हैं। हनुमान जी से क्या कहते हैं, प्रति उपकार करूं का, मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि सन्मुख हो न सकत मनमोरा। हनुमान जी इतना ऋण लाद दिया है आपने कि मैं दबा जा रहा हूँ उस कर्जे से। नरसिंह मेहता के लिए आज कन्हैया ने कहा, अरे इनने बड़ा कर्जा डाल दिया है हमारे ऊपर, हम इनसे ऋण नहीं हो पाएंगे, ऋण है। मैया ने कहा, त्रैलोक्य के स्वामी पर भी भला किसी का ऋण हो सकता है? ऐसा कौन सा कर्जा और क्या कर दिया इन्होंने आपके लिए? कन्हैया ने कहा, जानती हो देवी, आज तक संसार ने मुझे चोर ही चोर कह के बुलाया है। किसी ने चित्त चोर कि तो किसी ने माखन चोर, सबने चोर ही चोर कहा है। ये मेरा पहला भगत नरसी ऐसा है कि मेरे इस भगत ने मुझे चोर से सांवलिया शाह बना दिया, तो बताओ मैं उपकार नहीं मानूंगा तो क्या करूंगा। नरसिंह मेहता के लिए ठाकुर जी ने सांवलिया सेठ का रूप धरा था, सांवलिया शाह बने थे नरसिंह मेहता के लिए। भगवान कहते हैं कि एक चोर चोर जिसको दुनिया कहती थी, चोर को ना मेरे इस नरसिंह मेहता ने, मेरे भगत ने सांवलिया शाह बना दिया, तो ये मेरे ऊपर ऋण है। तो ये कितना भी नाराज हो जाए तो उतना तो हमें सहना पड़े। भगवान आपसे, हमें लगता है भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, इसका सीधा सा उत्तर यही है, जितना प्रेम आप उनसे करते हो उतना ही प्रेम वो भी आपसे। अब आप अपने प्रेम का हिसाब लगा लो कि आप कितना करते हो, आपको अपने सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा कि वो आपसे कितना करता है। प्रेम के विषय में मैं चर्चा कर रही हूँ। ज्ञान खूब हो जाए, ज्ञान खूब हो जाए कि यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, कण कण में भगवान रमा हुआ है, ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है वहाँ तक है। अरे असर उसका वहाँ तक है, नजर जिसकी जहाँ तक, वो हर जगह है। ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन प्रेम के बिना जीवन में कुछ हासिल होने वाला? चार मित्र थे, चारों मित्र घूम के आए, गाड़ी से उतरे चार पहिया से और अपने फ्लैट की ओर जाने लगे। जैसे शहरों में होते ना 20 मंजिल के 30 मंजिल के मकान, तो उनका जो फ्लैट था, उनका जो कमरा था, वो 23वीं मंजिल पे था। अब ये चारों के चारों पहुंचे तो अब 23 मंजिल कोई सीढ़ी से थोड़ी ना जाता है, आजकल तो शॉर्टकट सबको अच्छा लगता है। लिफ्ट की ओर भागे, लिफ्ट मैन ने कहा, साहब साहब आज लिफ्ट खराब है, तो आपको सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ेगा। अब ये बेचारे एक बार लिफ्ट देखें, फिर सीढ़ी देखें, फिर अपना कमरा देखें। अब 23 मंजिल कोई मामूली बात है पैदल चढ़ के जाना, हालत खराब हो जाएगी। अब मित्रों ने कहा, देखो कमरा पर तो अब जाना तो पड़ेगा ही, तो क्या करें? देखो सुन, ऐसे बोलते बात करते जाएंगे ना तो सीढ़ी चढ़ लेंगे, रास्ता जल्दी पार हो जाएगा, थकान कम लगेगी, तो वैसे क्या बात करेंगे। चारों मित्रों ने तय किया, ऐसा करते हैं, चलो हम चारों जन ना एक दूसरे को एक एक कहानी सुनाएंगे, और एक एक कहानी सुनते सुनाते 23 मंजिल पार हो जाएगा और पहुंच जाएंगे अपने फ्लैट में, अपने कमरे में। अब पहले मित्र ने कहानी शुरू की, 5 मंजिल पूरा हुआ, दूसरे ने पूरी की, 16 मंजिल तक पहुंच गए, तीसरे ने कहानी शुरू की, अपने फ्लैट के सामने बिल्कुल पहुंच गए, 5-6 सीढ़ी केवल बची, पहुंच गए अपने फ्लैट पे चढ़ते चढ़ाते। अब जब कमरे में पहुंचने में 6 सीढ़ी केवल बची है, तीनों मित्रों ने कहा, चलो चौथे वाले से अब तुम कहानी सुनाओ। चौथे वाले ने कहा, का कहानी सुनाए, 6 तो सीढ़ी बची है, अब का कहानी सुनाए? ना 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 ना, ये गलत बात है, हम सबने सुनाया है तो तुम्हें भी सुनाना तो पड़ेगा, सुनाओ। छठवे वाला जो चौथा वाला था, उसने कहा, देखो 6 सीढ़ी बची है, चलो सुनाते हैं यदि इतना कह रहे हो तो लेकिन सीढ़ी चढ़ते रहो, चढ़ते भी रहो, हम सुनाते भी रहते हैं। बोला अच्छा ठीक है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो। अब ये एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं,
एक एक सीढ़ी मित्र चढ़ भी रहे, ध्यान से सुनिएगा, नहीं जितना सुना सब गोल हो जाएगा। एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब चौथे वाले ने कहा, देखो भैया मेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है, मेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हम चारों के चारों ऊपर आ गए हैं और कमरे की चाबी नीचे गाड़ी में रखी हुई है। अब आप सोचो 23 मंजिला, एक तो बेचारे कैसो कैसो हाँफते हुए तो पहुंचे, और 23 मंजिला पे चढ़ने के बाद या पता लगे कि अब 23 उतर के चाबी लेने जाना है और फिर आना है, प्राण बचेंगे कि जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आप कितने भी ऊंचाई पर ज्ञान को लेके पहुंच जाओ, ज्ञान आपको ऊंचाई पे पहुंचा देगा, लेकिन जब तक प्रेम की कुंजी नहीं रहेगी ना, भगवान के घर का दरवाजा खुलने वाला, तो भगवान कहेंगे तुमने चाबी तो तुम लेके नहीं आए, तो का करे ठाकुर जी, नीचे जाओ, अब फिर नीचे जाओ और फिर ऊपर आओ, अब की चाबी लेके आना तब दरवाजा खुलेगा, बिना उसके दरवाजा खुलने वाला। तो प्रेम की जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एक बार को ज्ञान नहीं होगा चल जाएगा, यदि प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो चलने वाला नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के समक्ष जाकर कहा, राम जी को राजा बनाने का भिक्षा। अब मन में आ गई है ये बात, वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में भगवान ना, देखिए भगवान कितनी बार फरमान जारी करते हैं, बाल सफेद करते हैं, पहली बार वार्निंग दी, सुनाई कम देने लगा दूसरी वार्निंग, नोटिस आती है, नोटिस बार बार, सुनाई कम दे रहा है ये भी नोटिस, दिखाई कम देने लगे ये भी नोटिस, दांत गिरने लगे ये भी एक नोटिस, हाथ पैर कांपने लगे ये भी एक नोटिस, और जब अदालत से बार बार नोटिस पे नोटिस आए और आप सारे नोटिस को अनदेखा कर दो, तो फिर सीधा फरमान जारी करके ना कैद करा लिया जाता है। भगवान कहते हैं अब आ जाओ, जब नोटिस ज्यादा अनदेखा करेंगे तो फिर सीधा जाने का जाने की बारी आती है। जीवन में प्रयास ये करिए कि ये जो शरीर है ना, इससे कछु अच्छा काम हो। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से कहा, राम जी को राजा बना दे क्या? गुरुदेव को सब कुछ पता है, गुरुदेव ने कहा ठीक है करिए तैयारी। तैयारियां होने लगी, सारी तैयारी तो हो गई, सबको वो साज समाज बड़ा भव्य लग रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, और भोले बाबा ने भी कहा था, यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम कै जापर। ये चरित शुभ किसको लगेगा, आनंद किसको आएगा, ये कथा में किसको बढ़िया मन को शांति मिलेगी, बैठेंगे बहुत लोग, पर इसका रस किसको मिल रहा है, ये किसी बात की ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबको रस मिल रहा है। अयोध्या की वह साज सज्जा सजावट राज्याभिषेक की तैयारियां सबको भा रही हैं, लेकिन एक मंथरवा है उसको अच्छा, मंथरा की मति फिरवाई देवताओं ने कहकर मैया शारदा से, इसकी बुद्धि पलटिए, और मंथरा ने जब वो साज सज्जा देखी अब उससे रहा नहीं गया, वो माँ के केस से जाकर कहती है, देवी अयोध्या की काया पलट होने वाली, सब कुछ हाथ से चला जाए इससे पहले संभाल लो। मैया के कही, हम सब जानते हैं कि इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं, जो भी चीजें घटित हुई, जो भी कुछ हुआ, वो सब मेरे प्रभु की इच्छा से हुआ है। ये वन गमन का प्रसंग भी राम जी को तो जन्म मैया कौशल्या ने दिया था, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म देने वाली तो मेरी माँ कैकेयी ही है। यदि ये वन गमन नहीं होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम का ये उपमा सरकार को कहाँ से मिलती? ये देने वाली तो मेरी माँ कैकेयी है। स्वयं पर कलंक लिया, स्वयं को दोषी बनाया और प्रभु के कार्य को सिद्ध करने में प्रभु की सहायता की।
श्री दशरथ जी महाराज जब कोप भवन में पहुंचे, कोप भवन में पहुंचते ही मैया से कहा, देवी अरे ऐसी हालत क्यों बना रखी है, क्या हो गया है? मैया ने हाथों को अलग किया, स्पर्श मात्र भी नहीं करने दे रही। महाराज ने सोचा कि कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती हैं और राम के राजा बनने की खबर यदि इनको दे देना तो जितना भी इनके मन में गुस्सा होगा, दुख होगा, सब एक मिनट में दूर हो जाएगा। नहीं जान रहे कि ये सब कुछ उसी को सुनने के बाद ही तो हो रहा है। महाराज ने रखा प्रसंग, देवी तुम्हें पता है, अरे आपका राम ना कल राजा बन जाएगा, राजा। और मैं इतना प्रसन्न हूं ना कैकेयी कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास वाणी नहीं है, शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं। बस इतना जान लो मैं खुश बहुत हूं और तुम जो मांगना चाहती हो कैकेयी मांग लो। जब मांग लो शब्द आया ना, अब मैया बोली, महाराज कहने में और करने में ना फर्क होता है। अरे मुंह से तो हजारों लोग कह देते हैं ले लो ले लो ले लो, पर कोई देने वाला चाहिए भी। देना सबके वश की बात नहीं होती, कहने मात्र से क्या होगा। एक बार एक ऐसे धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था तो चंदा नहीं होता है, चंदा एकत्रित करते हैं तो उसमें गुप्त दान का नाम जानते ही हैं। गुप्त दान कई लोग करते हैं कि हमारा नाम उजागर ना करना, हम दान कर रहे हैं और कहते हैं गुप्त दान महादान। तो समिति के कुछ लोग पहुंचे एक जगह चंदा लेने। अब उन्होंने चेक में दिया और चेक में पूरे 151,000। अब समिति वाले तो गदगद हो गए, भैया 151,000 रुपए भी मायने रखता है। समिति वाले खुश कि चलो अब बढ़िया ठाकुर जी का कार्यक्रम चकाचक करेंगे। चेक लेके बैंक में पहुंचे, बैंक में चेक पास ही नहीं हुआ, वापस लेके आए। वापस आके कहा कि साहब साहब ये जो आपने चेक दिया था ना, ये बैंक वाले ले नहीं रहे हैं, आपने अपना हस्ताक्षर नहीं किया, सिग्नेचर नहीं किया, तो अपना थोड़ा सिग्नेचर कर दीजिए तब तो चेक लेगा ये बैंक। सामने वाले सज्जन ने कहा, पागल आदमी हो क्या, हमने गुप्त दान किया, हम ऐसे कैसे नाम लिख देंगे। अब इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है ये ठाकुर जी जाने। यहाँ से कहने वाले बहुत मिलते हैं, आधी रात को कहना हम आधी रात को हाजिर हो जाएंगे, आधी रात को क्या 12 बजे फोन करना, फोन ही नहीं उठाएंगे, हाजिर होने के तो बात ही दूर की। महाराज कहने भर से नहीं होगा, अरे नया वरदान तो छोड़ दीजिए, पहले पुराने वाले पूरे कर दीजिए, तो नए की चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। अच्छा तो आप बस इतने के लिए रुष्ट हैं, अरे देवी इतनी छोटी सी बात थी तो आप मुझसे कह देती, ऐसे कोप भवन में इस हालत में आने की क्या आवश्यकता है। मैं पक्का आपको वो वरदान दे दूंगा, लेकिन थोड़ा जाइए साज श्रृंगार के साथ आइए जैसे प्रतिदिन आते हैं, ये सब वेशभूषा त्यागिए। महाराज अब मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली, अरे मतलब मैं भूल गई थी तो भूल गई थी अपना वरदान। अरे वर देने वाले को तो याद रखना चाहिए था कि हमने किसी से कोई वादा किया है, अब मुझे आपका विश्वास नहीं है तो विश्वास कैसे होगा, आप राम की शपथ लीजिए तब विश्वास होगा। इसी को कहते हैं कर्म, विधाता का लेखा। चाहे जितनी भी प्रयास कोशिश कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, कोई लाख करे चतुराई पर कर्म का लेख मिटे ना रे। दशरथ जी ने शपथ ले ली राम जी की, जिन राम जी को विश्वामित्र जी जैसे संत को देने से मना कर दिया और कहा विचार करके बोलिए, बिना विचारे बोल रहे हैं, और वही राम जी को आज उन्हीं की शपथ लेने की बारी आई। दशरथ जी ने कहा, अरे आप जानती नहीं है क्या मेरे विषय में, हमारे कुल के विषय में, आप जानती हैं हम रघुवंशी हैं देवी, और हमारे रघुकुल की परंपरा चली आई है, मैं उस परंपरा को टूटने दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, हर प्राण
जी का ये मैया कैकेयी ने कब बोला? राम जी की शपथ हुई, दशरथ जी ने कहा देवी रघुवंशी प्राण दे सकता है पर अपने दिए गए वचन से कभी पीछे नहीं हटता, ये हमारे रघुकुल की रीत है। अब मैया आती हैं, हे प्राण प्रिय मेरी बात सुनिए, मेरा पहला वरदान मुझे, मेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है भागवत जी का, जो मेरे मन में है मेरा पहला वर मुझे ये चाहिए कि राज्याभिषेक किसका हो, राम का नहीं मेरे पुत्र भरत का। पहले वर में क्या कहा, मेरे मन को ये अच्छा लग रहा है, और दूसरा वर मांगने से पहले ही मैया हाथ जोड़ ले रहे हैं, दूसर वर मांगूं कर जोरी। इसमें संतों ने एक बड़ा अच्छा भाव लगाया कि मैया कैकेयी जानती हैं कि ये दूसरे वर के बाद बहुत कुछ अयोध्या में कुछ बचेगा ही, मेरा स्वामी मेरा साथ छोड़ देगा, मेरा बेटा मुझसे मुंह मोड़ लेगा, सारा संसार मुझे कलंक लगाएगा, ये सब कुछ मैया जानती हैं। राम जी से दशरथ जी को कितना प्रेम है ये भी जानती हैं, और जानती हैं कि मेरे ये वर मांगने के बाद ही दशरथ जी की क्या दशा हो जाएगी, इसीलिए पहले ही हाथ जोड़ लिया, दूसर वर मांगूं कर जोरी, हाथ जोड़कर दूसरा वर आपसे अब मांग रहे हैं। दूसरे वर में क्या मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वियों का वेश धारण करके उदासीन व्रत लेकर के राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या को छोड़कर वनवास में रहेगा, जंगल में जाएगा। किसी एक संत ने कहा कि इसी एक चौपाई में मैया कैकेयी ने राम जी के साथ साथ भैया लक्ष्मण और मैया जानकी के लिए भी वनगमन मांग लिया है, इसीलिए दोनों गए। ये मानस में नहीं लिखा पर सुना मैंने किसी संत के मुख से, संतों के भाव। तापस वेश विशेष, विशेष के अवतार और शेषावतार कौन है, भैया लक्ष्मण, विशेष उदासी। आपको यदि प्रसंग याद हो तो मैया जब राम जी धनुष तोड़ने वाले थे तब क्या कहती हैं, करहु मोहि रघुवर के दासी। वे शेष के अवतार और उदासी कौन, जिन्होंने राम जी की दासी बनने का वर मांगा था, राम जी के चरणों की वो दासी, यानी कि ये तीनों वन में जाएंगे। जो भी हो संतों ने भाव रखा, पर ये सुनने के उपरांत दशरथ जी की क्या अवस्था हुई, श्री दशरथ जी महाराज स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैकेयी ने ये सच में कहा है कि हास्य विनोद में कहा है। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कैकेयी ऐसा वर ये क्या तुमने सच में मुझसे मांगा है, सच में क्या आपने ये कहा है कि विनोद कर रही है। मैया कैकेयी ने कहा महाराज आपने क्या सोचा था, भोली भाली कैकेयी क्या आपसे चना चबेना मांगेगी, एक राजा की बेटी हूँ, राजा की पत्नी हूँ, एक राज्य से कम भी भला क्या मांगूंगी, मुझे यही चाहिए।
दशरथ जी ने कहा राज्य चाहिए ना, राज्य ले लो। वैसे भी भरत और राम मेरी दो आंखें हैं और दोनों आंखों में कम ज्यादा कोई नहीं कह सकता है, दोनों एक बराबर होती हैं, किसी एक के बिना भी इंसान अधूरा है। भरत को राजा बना दो पर राम को वनवास मत दो। कहके मैया के कही आज इतनी निष्ठुर सी बनी हुई खड़ी है। मैया ने कहा देखिए महाराज, यदि ऐसे रोना गाना था ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले नहीं करनी चाहिए थी जितना आपने अभी बड़बोलापन दिखाया। रघुवंशी ऐसे, रघुवंश की परंपरा ऐसी, रघुवंश की रीति ऐसी, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। यदि आपको नहीं देना वरदान तो मत दीजिए, कोई बात नहीं, मैं संतोष कर लूंगी। पर ध्यान रखिएगा, आपके पूर्वजों की कीर्ति का जो नाश होगा ना, इसके इसके भागीदार आप होंगे, इसके जिम्मेवार आप हो। माँ के वचन दशरथ जी को बाणों की तरह चुभ रहे हैं। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर गए और जब सुबह होने लगी, आज हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण से कह रहे हैं, हे सूर्य देव, हे सूर्य नारायण, आप मेरे कुल के देवता हो, आज ये दशरथ आपसे भिक्षा मांगता है, आज आप उदित मत होना, क्योंकि आप यदि आज उदित हुए ना तो ये अयोध्या प्रकाश में नहीं अंधकार में हो जाएगी, क्योंकि इस अयोध्या का कुल दीपक मणि तो मेरा राम है और राम चला गया तो अयोध्या अंधकार में डूब जाएगी, आप मत निकलना। भोर होने के समय सुमंत जी जब पहुंचे, सुमंत जी से मैया ने कहा मुझे नहीं पता महाराज को क्या हुआ, बस जाके राम को बुला लो, राम को ही याद कर रहे। राम जी ने आज तक दुख शब्द का नाम भी नहीं सुना था कि दुख होता क्या है, और आज जब पिता की ये दशा देखी, आज दशरथ जी महाराज को इस हाल में देखा, मैया से कहते हैं माँ मुही कहू मुझे पिताजी के दुख का कारण तो कहो, पिताजी क्यों इतने दुखी हैं? मैया ने कहा सारी बातें स्पष्ट करके बता दी, कुछ छुपाया नहीं, मैंने ये देखी आपके पिताजी ने वर देने को कहा था, मैंने मांग लिया, तो देखिए कैसे अपनी बात से पलट रहे हैं। आपके मोह में आपके पिता ये सब कर रहे हैं, राम धर्म से विमुख हो रहे हैं। राम जी ने अभी तक क्या कहा, मुही कहू मात। अच्छा, माता जी हम किसी को भी कह सकते हैं, किसी को भी अनजाने को भी, कोई माँ की उम्र की हो तो माता जी कह देते हैं, पर जननी किसको कहते हैं पता है? जिसने पेट से जन्म दिया हो जननी सिर्फ उसको कहा जाता है। अभी तब जब राम जी आए तो क्या कहा, मुही कहू मात, माँ मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो। और जब मैया ने पूरे वरदान की बात कह दी, अब क्या कह रहे हैं, सुनो जननी। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इस धरती पर जन्म देने वाली माँ कह गई है। मैया से कहा हे माँ, हे जननी, इस संसार में वो बच्चे वो पुत्र बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको माता पिता के चरणों में प्रेम हो और जिनको उनकी सेवा करने का अवसर मिले। ये राम जी के वचन हैं। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी माता पिता हैं,
जरा हम भी थोड़ा सा सोचें, अपने जीवन में झांक कर देखें कि हमारा हमारे माता पिता के प्रति क्या प्रेम चल रहा है, हम उनके प्रति कितना सही व्यवहार कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज को अवश्य स्वीकार कर सकती हूँ कि चलिए हम आज के जमाने के हैं, हमारे माता पिता की सोच शायद पहले जमाने की हो, तो वो पीढ़ी का अंतर आ गया, जमाने का अंतर आ गया, ये समझना संभव है कि मतभेद हो सकता है, उनकी सोच और अलग और हमारी सोच। पर एक बात बताओ भैया, क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने माता पिता से मुंह मोड़ लें, अपने माता पिता की सेवा ना करें, अथवा अपने माता पिता को कह दें कि जाओ या तो वृद्धाश्रम चले जाओ और या तो फिर बड़े भैया संभालेंगे। माता पिता की वो गति, मैंने अभी डिंडोरी की कथा में भी चर्चा की, माता पिता की वो गति जो हम बना देते हैं ना, छोटा बड़े के पास भेजता है, बड़ा छोटे के पास भेजता है, माता पिता को एक ठिकाना नहीं दे पाते हैं, ये आज के इस समाज की सबसे बड़ी दयनीय अवस्था है। वृद्धाश्रम खुलते हैं ना तो हम बड़े खुश होते हैं, अरे वाह इतना सुंदर व्यवस्था वृद्धाश्रम खुल रहा है। संकोच होना चाहिए मन में कि आखिर हम भारत में रहते हैं, भारत की सनातन संस्कृति को मानते हैं, राम जी को अपना अपना आदर्श मानते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी क्या नौबत आती है कि आज दुनिया में वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत पड़ रही है। हमारे ही आपके जैसे कुछ बच्चे होते होंगे जो माँ बाप को वहाँ भेज देते हैं। हम बहुत कृपा माता पिता पे ये करते हैं, हम अपनी कृपा बताएं, हम माता पिता पे इतनी कृपा करते हैं कि उनको देश निकाला नहीं देते हैं। वो समय था ना कि जब पिता के लिए पुत्र वनवास चला गया था, आज का समय होता है बच्चे गद्दी पाते हैं, गद्दी पाने का मतलब अपने हाथ में घर का चार्ज आया और माता पिता को वनवास दे देते हैं, अब तुम जाओ ढूंढो अपना ठिकाना, ये वो समय। हम क्या कृपा इतनी मेहरबानी अपने माँ बाप पे कर देते कि माई बाप को बांट देते हैं, कितना महीनों में, चार महीना बढ़ के, दो महीना छुटके, चार महीना मझिल के, ये बांट देते हैं कि तनिक तुम संभालो तनिक तुम। क्यों? क्योंकि भैया उनके घर में इतना राशन नहीं होता है कि वो एक माता पिता का साल भर का खर्चा उठा ले या जिंदगी भर का उठा ले, इसलिए। और शहर वाले थोड़ा ज्यादा मॉडर्न होते हैं तो इस चीज में भी मॉडर्न निकल जाते हैं कि माँ बाप को घर ही में नहीं रखते, वो सीधा वृद्धाश्रम भेज देते हैं। थोड़ा सोचिए, विचार करिए। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कथा में, ये जीवन ऐसे गोल चक्कर की तरह घूमते हैं, यदि जीवन की इस जगह पर आपने किसी को दुख दिया है तो ऐसे घूम के आएंगे और आपको भी इस जगह पर आकर दुख भोगना ही। एक साधारण से उदाहरण में समझाऊं, एक व्यक्ति ना ऑफिस जा रहा था और कार के पास एक कुत्ता बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, कुत्ते को कुछ नहीं किया, अनायास ही उस कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया बेवजह ही। अब उसने काट लिया बेवजह, यदि कोई प्रहार कर दे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अब साहब ऑफिस पहुंचे, साहब ऑफिस पहुंचे तो एक कर्मचारी थोड़ा देर से आया, अब कुत्ते का जितना गुस्सा था ना सब उस कर्मचारी पे निकला, सगरो भड़ास निकाल दी, का अपना घर समझा है, ससुराल समझा है, जब मनाओगे तब आओगे, जितना भी हो सकता था कुत्ते वाली भड़ास तो सर ने निकाल ली, अब कर्मचारी काहे पे निकाले, तो वो अपने से नीचे वाले को ना ढूंढेगा। जैसे हम अपने घर में यदि बड़के भैया ने या पिताजी ने हमको मार दिया तो हम अपने छोटे वाले को खोजेंगे कि हम उसको धरेंगे तब हमारा मन शांत होगा, अब ये कर्मचारी अपने नीचे वाले को ढूंढ रहा है तो इसके नीचे अब कौन रहे, तो जो प्यून होते हैं ना, प्यून नौकर जो चाय पानी कराते हैं वही मिला। अब इसने सारा का सारा गुस्सा, एक चाय मंगाई, चाय आने में देर हो गई तो सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया। अब जब इसको बेवजह डांट पड़ी तो ये अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचा बच्चा थोड़ा सा पापा पापा करके शैतानी कर रहा था, इसने अपने साहब वाला गुस्सा बच्चे पे निकाला खींच के कान के नीचे। अब बच्चा बेचारा इसे बेवजह मार पड़ी, ये भन्नाता हुआ घर से निकला मुंह फुला के। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे पैर से ना कोई चीज मिल जाती है तो ठोकर मारते जाते हैं, ऐसे लात मारते हुए खिसकाते हुए।
अब बच्चा जा रहा था इतना गुस्सा था, इतनी बड़ी ईंट दिखाई दी और एक लात उसने मारा, किसको मारा, एक तो कुकुर उसको वही वाला दिखाई दिया जिस कुत्ते ने कल काटा था ना, वही वाला कुत्ता उसको दिखा, बस वही पत्थर उठाया खींच के कुत्ते को मारा, उसका भी गुस्सा। अब सोचिए जहां से शुरू हुआ था वही आके खत्म हुआ कि ना वो बेवजह काटता, ना साहब गुस्सा पड़ते, ना कर्मचारी पे भड़कते, ना कर्मचारी प्यून पे भड़कता, ना प्यून बच्चे को थपड़ी आता और ना बच्चा जाके कुकुर को। ये सब जहां से आप शुरू करेंगे याद रखिएगा खत्म भी वहीं पर आकर, ये चीजें सुख देंगे तो सुख पाएंगे। सीधा सा आप उदाहरण समझिए, ऐसा आप जाकर के सामने से किसी को गाली देने लगो तो सामने वाला आशीर्वाद देगा क्या? आप दो देंगे तो वो चार देगा, और यदि बहुत प्रवीण होगा तो आठ भी दे सकता है, कोई इसमें कमी बेसी नहीं करेगा। वो ये दुनिया का दस्तूर है, प्रेम देंगे प्रेम पाएंगे, समय देंगे समय पाएंगे, और यदि किसी को अपशब्द कहेंगे तो अपशब्द पाएंगे। मैया से राम जी कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ माँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, और कहकर वहां से निकले पिताजी, अब अभी वनवास जाऊंगा ना तो आपसे फिर आशीर्वाद लेने आऊंगा, तभी जाऊंगा, आप क्यों दुख मनाते हैं, कहकर चल दिए। दशरथ जी महाराज ने एक बार अपने मुख से नहीं कहा है कि राम आप वन जाओ। मैं निवेदन करती हूँ कथा में, अभी पिछली कथा में भी की कि मैंने यहाँ तक सुना है वाल्मीकि रामायण जी में, तो यहाँ तक कहा दशरथ जी ने, राम आप मुझे बंदी बना दो, कैद में डाल दो और राजा बन जाओ, पर वनवास मत जाओ। राम जी कौशल्या अंबाजू के पास पहुंचे, कौशल्या मैया बढ़िया सुंदर व्यवस्था, राम जी को आते देखा और खुश हो गई। राम जी जाकर मैया से क्या कहते हैं, मैया पिताजी ने ना एक बहुत अच्छा काम किया। क्या माँ? मुझे अनुचित लग रहा था जब ये मैंने सुना कि मुझे अकेले को राजा बनाया जा रहा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। जब एक साथ जन्मे खेले खाए तो राजा एक को बना देना ये अच्छी बात नहीं, मुझे दुख था और पिताजी ने मेरा ये दुख दूर कर दिया। माँ क्यों, कैसे दूर कर दिया? अरे मेरे भाई भरत को, क्योंकि मुझसे छोटा वो है, भरत को कुछ नहीं मिल रहा था, तो मेरे पिताजी का देखिए कितना अच्छा काम किया उन्होंने, भरत छोटा है ना तो उसे अयोध्या का छोटा सा राज्य दे दिया, और मैं बड़ा हूं ना मैया तो मुझे जंगल का बड़ा सा राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, हम आप होते तो क्या कहते, माँ कोई गलती नहीं की, जाके देखो पिताजी कैसे कैसे कर रहे हैं, कल ही बोला था राजा बनाने को। और इतना भी नहीं करते, मान लीजिए बहुत माता पिता को मानते ना तो भी जाकर इतना एहसान तो लाद ही देते कि देखो माँ मेरी गलती तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अब पिताजी कह रहे हैं तो हम जा रहे हैं। मेरे राम जी के शब्द क्या हैं, राजा बनाया है माँ छोटे वाली जगह का नहीं, बड़ी सी जगह का राजा, जहाँ सब भांति से मेरा कल्याण है। माँ राम जी की इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैया को ममता बड़ी बड़ी बातें नहीं समझती है। राम जी से मैया ने कहा अभी जाती हूँ महाराज से पूछती हूँ, माँ का अधिकार संतान पे ज्यादा होता है। राम जी ने हाथ पकड़ लिया, मैया अरे अधिकार तो तब बचता ना जब मैया ना चाहती, मेरी मैया कैकेयी की भी इच्छा है, और धन्य है माँ कौशल्या, बढ़ाया हुआ वो एक कदम मैया ने वापस ले लिया। राम पुत्र ना ये कह सकती हूँ कि वन चला जा, ना ये कह सकती हूँ कि मत जा, क्योंकि तेरे माता पिता दोनों चाहते हैं पुत्र, इसलिए अब ये कौशल्या बस तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है कि तुम जहाँ जाओ ना मेरे राघव, वही स्थान अयोध्या बन जाए और तुम्हें अवध के जैसा सुख मिले, बस ये आशीर्वाद दे सकती। मैया जानकी आ गई, बोल नहीं पा रही है, लेकिन मैया कौशल्या समझ गई। मैया कौशल्या ने कहा, राम ये सिया जो है ना
इनको कभी मैंने धरती पे पैर नहीं रखने दिया, कभी रखा भी ना तो गुलाब की कोमल कोमल पंखुड़ियां बिछवा देती थी कि कहीं इनके चरणों में कष्ट ना हो। कभी इनको दीपक की बाती तक तारने को नहीं कहा है, या तो गोद में रही हैं, या हिंडोले पे रही हैं, या पलंग पे रही हैं। ये वन कैसे जा पाएंगी, अब आगे आप बताओ आपका क्या निर्णय है। राम जी ने इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या की वनवास की, वैदेही जंगल में भयानक पशु होते हैं, भयंकर राक्षस होते हैं, वो अच्छी जगह नहीं है, कंकड़ीली पथरीली कटीली झाड़ियाँ रहती हैं, कंकरीली भूमि होती है। आप वन के योग्य नहीं हो वैदेही, वन के योग्य तो वन कन्याएं होती हैं, ऋषि मुनियों की पत्नियां होती हैं, आप वन के लायक नहीं हो वन जाने के। इतने शब्द पर मैया ने कहा, स्वामी बस एक बात का मेरे उत्तर दे दो, फिर आप जो कहो आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगी। एक बात बता दो, मैं वन जाने के लायक नहीं हूँ, मैं वन के कष्ट सहने के लायक नहीं हूँ, तो क्या मेरे राघव आप वन के कष्ट सहने के लायक हैं क्या? आप वन जाने के योग्य हैं क्या? राम जी मौन हो गए, कह चलो। लक्ष्मण भैया आए, राम जी आते ही लक्ष्मण भैया के कहने लगे, लक्ष्मण मैं जा रहा हूँ, सीता जा रही है, अयोध्या में भरत भी नहीं है, राजपाट देखना, पिताजी अस्वस्थ हैं, तीनों माताओं का ध्यान रखना, गुरुओं का आदेश लेकर के तब तक राजपाट संभालो जब तक भरत नहीं आ जा रहा है, हम वन जा रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा वाह 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 सरकार, सब बोलते चले गए। छोटे से हंस के ऊपर पूरा पहाड़ का भार लाद दे रहे हो और कह रहे हम जंगल जा रहे हैं। गुरु पितु मातु न जानिए काहू, मैं जानता ही नहीं कौन गुरु कौन माता कौन पिता, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे सब कुछ कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता हूँ। राम जी से कहा, राम जी ने पहले समझाया, नहीं माने तो कहा ठीक है जाओ मैया सुमित्रा से आज्ञा ले। मैया से आज्ञा लेकर के मैया ने कहा स्वप्न में भी हम सबको याद मत करना, नहीं सेवा धर्म में त्रुटि हो जाएगी। भैया लक्ष्मण ने कहा स्वप्न में भी याद ना करूं, मैया सपने पे किसी का जोर थोड़ी ना होता है। अब आप लाख चाहो कोई सपना ना देखे, कोई के बस में है क्या? ये तभी बस में है जब नींद ही ना आए, जब नींद नहीं होगी तो सपना नहीं होगा। भैया लक्ष्मण ने कहा मैया ऐसा करते हैं, स्वप्न का त्याग नहीं कर सकता हूँ, पर आपकी कृपा से आपका लाल निद्रा का त्याग अवश्य कर सकता है, इसीलिए 14 वर्ष के लिए ये लक्ष्मण तेरे सामने सौगंध लेता है। मैया आज के बाद सोऊंगा नहीं 14 साल तक, त्याग कर दिया निद्रा का। तीनों वन की ओर चल चले। दशरथ जी कहते हैं सुमंत सुमंत मेरे राम को रथ पर बिठा लो, उसके चरण कोमल है, वैदेही कोमल है, मेरा लक्ष्मण छोटा है, 3-4 दिन जंगल घुमा के ले आना। ठीक है ब्रो, वन की ओर चल दिए। हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है, उस दुख के पीछे का कारण मैं हमेशा एक एक प्रार्थना करती हूँ और करबद्ध प्रार्थना आप सबसे भी कर रही हैं। जीवन में किसी से आशा मत लगाइए, किसी से भी आशा मत लगाइए, चाहे बच्चे हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे नातेदार हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी से आशा मत लगाइए, क्योंकि आशा लगा करके बैठते हैं और जब आशा पूरी नहीं होती है तो तकलीफ बहुत होती है। जैसे आपको कोई कह दे कि भैया आप कहो कि हमें 5,000 रुपए चाहिए थे, सामने वाला कह दे कभी भी आके मांग लेने, अब आप उम्मीद में बैठे हो कि भैया 5,000 तो हमारे पास तैयार है, हम जिस भी दिन जाएंगे उस दिन हमको, और आप आशा लगा के बैठे हो, जरूरत के दिन आप पहुंच गए भैया 5,000 दे दे, अरे अरे भैया हमारे पास तो, अब आपको दुख होगा कि नहीं होगा? सच बताइए कि हम खाम खा ही इससे आशा लगा के बैठे थे, यदि नहीं देना था तो कहता ही नहीं ना, ना हम आशा लगाते ना हमें ये दुख होता। इस दुनिया में मेरे आपके हर एक व्यक्ति के दुख का कारण, इस मन को जो चोट लगती है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी आशा है।
उम्मीद है जो हम लगा के बैठ जाते हैं। बेटवा इतना बड़ा हो ना तो माई बाप सोच लेते हैं कि ले हमको स्वर्ग पहुंचाने वाला आ गया, यही हमको स्वर्ग पहुंचाएगा। कैसे जाएंगे? जब ये हमको मुखाग्नि देगा ना तो हम स्वर्ग जाएंगे। यदि बेटा के आगे छुआने से सब स्वर्ग जाने लगते तो फिर धर्म कर्म की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। सब बेटे से बस आगे छुआ लेते स्वर्ग चले जाते। स्वर्ग ऐसे नहीं जाते। अच्छा यहाँ पर इतने सारे लोग बेटे, कोई नरक जाना चाहेगा का? कोई जाना चाहेगा? आप मुंडी नहीं हिला रहे हो इसका मतलब हाँ समझे कि ना समझे? नहीं जाना चाहते। अच्छा नरक नहीं जाना चाहते मतलब सभी लोग स्वर्ग की आकांक्षा में बैठे कि भगवान वहीं का दरवाजा खोलना। किसी संत ने कहा, समय नहीं है किसी के पास घर से मंदिर तक जाने का। मंदिर बिना हम हफ्ता में महीना में जैसे रामनवमी पड़ गई तो इकट्ठी सब गांव भर के दौड़ जाएंगे मंदिर। बाकी तो सालों भर मंदिर खुला है, आधे दिन झांकेंगे आधे दिन। समय नहीं है किसी के पास घर से मंदिर तक जाने का, और लोग इच्छा रखते हैं श्मशान से स्वर्ग तक जाने की। कि अगर यदि मरघट पे जाए ना तो मरघट से सीधा ऐसे स्वर्ग पहुंचाना। अरे ऐसे स्वर्ग पहुंचेंगे? कर्म पहुंचाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो सीधा स्वर्ग जाएंगे, और बुरे करेंगे तो ऐसे घुमा फिरा के वही यमराज के यहाँ पटक देंगे। नर्क और स्वर्ग दो जगह है। किसी ने कहा कि नर्क यदि भगवान ने बनाया ही नहीं होता ना तो सारा झमेला ही खत्म हो जाता, ना धर्म ना कर्म। जब नर्क होता ही नहीं तो कौन चीज की चिंता। सही बात है कि नहीं? अब ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बताइए, जैसे कपड़ा जब थोड़ा गंदा होता है तो घर पे धुल जाता है, सही बात है कि नहीं? अरे जोर जोर से हाँ ना कछु बोलिए, है ना? थोड़ा गंदा होता है तो हम धो लेते। अब कई बार ऐसे कुछ जिद्दी दाग लग जाते हैं ना जो सर्फ एक्सेल से भी नहीं जाते हैं, होता है कि नहीं होता? फिर घर पे नींबू रगड़ो, दही रगड़ो, टमाटर रगड़ो, कुछ ही से छूटने वाले। तो फिर हम क्या करते हैं? अभी ये हमसे नहीं छूटेगा, इसको ले जाके धोबी को देंगे लॉन्ड्री में, कहते हैं कि नहीं? और जब लॉन्ड्री में कपड़ा पहुंचता है ना धोबी के यहाँ, धोबी का धोना देखा है? कपड़ा धोना ऐसे पकड़ के यूं पटक पटक के धोता है, धोता है कि नहीं? ये नरक और यमराज की व्यवस्था पता है क्यों है? यही लिए है कि ये जो तन रूपी मन रूपी आपको वस्त्र मिला है, या तो इस पे दाग मत लगाओ। और तनक मुनक दाग यदि संसार रूपी काजल की कोठरी में लग जा रहा है तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्शन में श्री राम के दर्शन पाएगा। तो यदि थोड़ा बहुत दाग लगे तो यहीं पे अपने हाथ से राम नाम रूपी साबुन से छुड़ा लो, सत्संग रूपी साबुन से छुड़ा लो, तब तो ठीक है। अब एक तो कपड़े पे दाग लग रहा है, अब दाग को छुड़ाने के बजाय दाग पे और दाग लगाएं, दाग पे और दाग लगाएं, तो दाग इतना जिद्दी हो जाएगा ना कि फिर ना हमसे छूटेगा ना सर्फ एक्सेल से छूटेगा, फिर वो यमराज के यहाँ लॉन्ड्री में भेजना पड़ता है। और जब नरक रूपी लॉन्ड्री में ये पहुंचता है ना, तब अच्छे से पटक पटक की इसकी धुआई होती है, सारा दाग निकाल देते। भैया हूँ मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। जितने लोग बैठे जरा सब लोग गाएं तो साथ में सभी लोग। मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। Oh,
जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया, मैंने जब से प्रभु प्रभु तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। इतने सारे लोग बैठे हैं, जरा गाइए भी, तब तो समझ में आएगा ठाकुर जी से क्या क्या रहे हैं। याद कर लो, क्योंकि देखिए चौपाई भाव कथा ये सब भूल जाएगा 9 दिन बाद, हमें पता है। ये भजन ही है 2-4 जो याद रहेंगे, बाकी ना हम याद रहेंगे ना कथा याद रहेगी। मैंने जब I'm not afraid to die।
सजाते हैं। तो जितने जन बैठे हैं सब लोग अपने अपने मुंह का सदुपयोग करें, ये खाली या के लिए थोड़ी ना बना है। मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, आगे कई 15-20 जन की आवाज आ रही, बाकी सब मधुमक्खी थोड़ी ना, ये बिन बिनाने से काम चलेगा। अरे गाओ, गा सकते हैं इसलिए ना गा रहे हैं, नहीं गा पाते तो काहे को गाते। सब लोग गाइए। मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, जब यही धरा रह जाना है, मैंने इसे बनाना। मैंने जब से प्रभु कौन थी, मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया अभी, मैंने जब से हरि तेरा नाम लिया, मैंने जब से प्रभु तेरा, ओ मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान बड़ी समस्या है। हम दिखाने के चक्कर में घर में क्या हालत है नहीं पता, लेकिन दिखाने के चक्कर में इंसान क्या से क्या ना कर जाए। एक सज्जन थे, उनको अपने ससुरारी से एक सोने की अंगूठी मिल गई, उंगली में पहने। अब मिल तो गई है, लेकिन अब सब लोग कैसे जाने कि इनको अंगूठी मिली है। तो वो जिससे भी मिले, और भैया सब ठीक,
और क्या चल रहा है और कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब जहाँ जाए ऐसे 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 एक हलवाई की दुकान पे पहुंचे, चौबे जी की दुकान थी वो, और चौबे जी की दुकान पे पहुंचे। अब सोचा सबको दिखाया, इनको कैसे ना दिखाए, और चौबे जी ये वाली मिठाई कैसे दी और ये वाली। अब चौबे जी ऐसे ऐसे चद्दर डाल रखा था उनने, जब कई बार ऐसे 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 देखा चौबे जी ने, चौबे जी ने अपना चद्दर ऊपर किया और यहाँ बांधा था 5 तोले का सोने का बाजूबंद। इनकी इतनी बड़ी अंगूठी और यहाँ 5 तोले का बंधा था। चौबे जी से जब इनने कहा ये वाली कैसे दी, चौबे जी ने कहा कि कोई सी भी ले जाओ, सब एक ही भाव है, कोनो वाली ले जाओ, सब एक ही भाव है। दिखावा दिखाने के पीछे भैया, दिखाना है ना तो उसको अपना असली चेहरा दिखाएं, क्योंकि उसके सामने लाख पर्दा डालो उससे कुछ छिपने वाला। तो देखिए आज है कथा का खष्टम दिवस यानी कि छठवां दिन। अब बचे कितने दिन काके? 4 दिन बच रहे हैं, 3 दिन बचे हैं और। तो आप सभी से निवेदन कि ये जो शेष तीन दिन हमारे पास बचे हैं, इसका अच्छे से करना है सदुपयोग। कल कम से कम इतना जना आओ ना कि आज यहाँ सड़क तक बैठे, कल इधर खेत तक बैठे, सब 3 ही दिन बचे हैं। और जब कम दिन बचे हो तो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो आज की कथा में, कथा को यहीं पर विश्राम दूंगी, ठाकुर जी श्रृंगवेरपुर में हैं और कथा यहाँ पर विश्राम लेगी। कल श्री केवट जी की कथा और आगे प्रयास करूँगी कि चित्रकूट तक हम पहुँच जाएं भरत भैया के साथ ठाकुर जी के दर्शन में। तो आप सभी से निवेदन, आप सभी आरती प्रसाद लेके ही अपने गृह की ओर प्रस्थान करिएगा। आइए प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम दूंगी और आप लोग फिर से निवेदन, दूर दराज के लोगों के लिए तो कोई बंदिश नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी जो आप नजदीकी हैं, आरती प्रसाद लेके ही आप सभी लोग अपने गृह की ओर जाइएगा और कल और अधिक से अधिक संख्या में पधारिए, हम सभी मिलकर कथा का आनंद लेंगे। सुख सन का विशेष अरुष
शारद वरन पवन सुत कीरतनि आरती श्री पुष्पित